अनुवंशिकी सुधार शोध कार्यक्रम के अंतर्गत झींगों के परिवार एवं अलग अलग पहचान के लिए विजिबल इम्प्लांट इलास्टोमर टैगिंग एवं आई रिंग टैगिंग पर प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्थान निर्यात, घरेलू बाजार एवं वैल्यू चेन एनालिसिस का आर्थिक अध्ययन कर रहा है। खारे पानी जलजीव पालन के प्रौद्योगिकियों द्वारा महिलाओं की क्षमता को बढ़ाकर उनकी जीवनचर्या में सुधार लाना यह संस्थान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संस्थान ने ग्रामीण जोड़ कार्यक्रम के माध्यम से गांव की आर्थिक विकास में मदद की है। संस्थान के दूसरे कार्यक्रम झींगा पालन में बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को स्वीकार करना, क्लस्टर पालन, एंटरप्रेन्योरशिप विकास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जल कृषि सेवा के लिए ICT और नीति संबंधी कार्य। संस्थान प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए किसान मिलाप, प्रदर्शनी, कार्यशाला, और आपसी बातचीत में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह संस्थान खारे पानी जलजीव पालन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का प्रबंधन करता है। संस्थान ने अनेकों पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनकी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपीज संस्थान के वेबसाइट्स पर किसानों एवं अन्य लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। यह संस्थान छोटे वीडियो फिल्म एवं डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में भी कार्यरत है। प्रगति पूर्व कार्य के लिए शोध एवं विकास किसी भी संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। सिबाबी जल कृषकों के फायदे के लिए कम लागत की प्रौद्योगिकियों के विकास, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक मान्यता प्राप्त कर खारा पानी जलजीव पालन के विकास में अग्रसर है।